वो एक सांसद जो लगातार संसद के भीतर देश के गरीब मजदूर मजलूम किसानों की बात आवाज उठाते थे। देश के इतने जिम्मेदार आदमी को सर्वाधिक सजा दी जाती है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है जो किया गया है कि राहुल गांधी की आवाज को कैसे दबाया जाए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आज मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां और भी मौजूद हैं कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जो अपने नेता राहुल गांधी के लिए समर्थन के धरने पर आए हुए हैं। आप जानते हैं 23 तारीख को सूरत कोर्ट ने जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और 24 मार्च को जब लोकसभा स्पीकर ने उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के धरना प्रदर्शन जारी। कल उन्होंने राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह किया और आज यहाँ अनम्यूट लोकतंत्र अनम्यूट लोकसभा करके नाम से कैंपेन का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। वैसे तो आपको मेरे पीछे से बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि प्रदर्शनकारियों की आवाज बहुत तेज है, मगर फिर भी यहाँ के कुछ लोगों से बात करके मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है जिनकी वजह से कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं आज यहां पर जुटे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेता के लिए एक आवाज को बुलंद किया जाए। युवा नेता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जसवाल बजेला है। कहां से आए? मैं उत्तराखंड का अंतिम विधानसभा पड़ता है धारचूला मुनस्यारी, उसके बाद तिब्बत बॉर्डर पड़ता है, मैं वहां से आया हूं। क्यों आए हैं आज यहां? देखिए, लगातार इस देश के भीतर लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, संसद पर सवाल करने पर संसद को म्यूट कर दिया जाता है। मैं बस भारत देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि वो एक सांसद जो लगातार संसद के भीतर देश के गरीब मजदूर मजलूम किसानों की बात आवाज उठाते थे, जो देश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी की बात उठाते थे, हो सकता है कि आने वाला अगला जब संसद सत्र चलेगा उस संसद सत्र के अंदर देश का एक बहुत बड़ा यशस्वी नेता हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी जी नहीं हो पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि उस संसद के अंदर तमाम ऐसे सांसद जिन पर तमाम तरीके के क्रिमिनल केसेस हैं, मैं देश के गृह मंत्री को चैलेंज करता हूं। और आप पर तो तरीपार का केस था, आज आप जो है देश के गृह मंत्री बनकर बैठे हैं और वो देश के भीतर जो लगातार देशवासियों की आवाज उठाते रहे दलितों पिछड़ों देश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी की, आज उनकी सदस्यता रद्द करने की बात करते हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, आज देश का संविधान खतरे में, लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में, एक एक भारतीय को अवसर पर आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुद रख रखाव करना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है उनकी सदस्यता बहाल हो पाएगी दोबारा? देखिए, हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही बताना चाहते हैं, इतना ही सवाल करना चाहते हैं, आपको भी कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के आवाम को कहना चाहते हैं, विधानसभा के अंदर विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के अंदर विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के अंदर तमाम लोकसभा के ऐसे सदस्य हैं जिन पर तमाम तरीके के मुकदमे हैं, आप सिर्फ सवाल खड़ा करने पर, और सवाल चाहे सी है, नीरव मोदी ने देश को लूटा है, इस बात में कोई अंदेशा नहीं है, ललित मोदी ने इस देश के खजाने को लूटा, इस बात में कोई अंदेशा नहीं है, मेहुल चौकसी ने, तमाम मोदी से जुड़े लोगों ने इस देश के पूरी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, अब चोर को चोर न कहें तो क्या कहें? आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता चोर को चोर कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अभय तिवारी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश बुंदेलखंड प्रभारी। क्यों आए आज यहाँ पे? हम सब यहाँ पर राहुल गांधी की आवाज बनकर यहाँ पर आए हुए हैं कि जिस तरीके से देश में तानाशाही है, ये बताने के लिए आए हैं कि आप एक सांसद को तो अनक्वालिफाइड कर सकते हैं, पर इस देश के प्रत्येक घर से अब राहुल गांधी निकलेगा, और जो मोदी और अडानी ने मिलकर इस देश की आंखों में धूल झोंकी है, 20,000 करोड़ रुपए का गबन किया है, उसको सबके सामने लेके आएगा। अब आपको कहीं ना कहीं 2024 की भी चिंता हो रही है क्योंकि आपके नेता के पास जो पीएम फेस था, अब वो संसद सांसद ही नहीं बन सकते। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष का रास्ता अपनाया है, चाहे देश की आजादी के पहले हो या बाद में हो। आपको जानकारी के लिए बता दूं, गांधी परिवार का कोई भी आदमी 32 वर्षों से अधिक कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर नहीं रहा है। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना और गरीब आदमी की आवाज बनना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सत्ता का सुख है। मगर कांग्रेस के लिए कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट साबित नहीं होता कि जहां वो पीएम फेस नहीं बाहर निकाल पाते हैं कोई बड़ा? देखिए, आप ये बात मानिए कि कहीं ना कहीं पीएम वाली बात यहां पर नहीं है। जितनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा देश के इतिहास में राहुल गांधी ने निकाली है, जिसमें बिना किसी डेंट के, बिना किसी कोई कमी के
आज जिस तरीके से बेखौफ वो अकेले पार्लियामेंट में बोलते थे, भाजपा को कहीं ना कहीं डर था कि उनकी आवाज को किस तरीके से बंद किया जाए। सूरत का एक मामला जिसमें खुद दायर करने वाले केस ने इस केस को होल्ड कर रखा हुआ था, देश के इतने जिम्मेदार आदमी को सर्वाधिक सजा दी जाती है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है जो किया गया है कि राहुल गांधी की आवाज को कैसे दबाया जाए। क्या नाम है? मैं मोहम्मद इकलाक खान, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव हूँ छत्तीसगढ़ से। क्या क्या रीजन है आज यहाँ इकट्ठा होने का? इस देश में जिस प्रकार से मोदी सरकार तानाशाही चला रही है, मोदी सरकार के विरुद्ध और जो भी इस देश में चल रहा है, अभी जब राहुल उसका जेपी सिंह मांग को लेकर आज हम संसद घेराव करने जा रहे हैं युवा कांग्रेस की तरफ से। इसका कल कई दिनों से चर्चाओं में है कि राहुल गांधी या पीएम फेस अगर नहीं हो पाते, उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है, तो इसका फायदा सीधा विपक्ष को मिलेगा और विपक्ष का एक नया चेहरा पीएम कैंडिडेट के लिए 2024 के लिए बनता है, उसको आप इस तरीके से देखते हैं? देखिए अभी तो फिलहाल राहुल गांधी के पास 30 दिनों का समय है, अभी अभी देख रहे हैं चीजों को, पढ़ रहे हैं, अभी जो फैसला आया है उसको अभी कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी में, उसके बाद इसको अभी अभी न्यायालय में इसको चलाएंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, फिर 30 दिन में जो भी फैसला आएगा आगे भी देगा। वैसे राहुल गांधी संस्था कन्फर्म है कि वापस उनको मिल जाएगी। और अगर नहीं होती है तो आने वाले 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर क्या रणनीति रहेगी? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिलहाल अभी 30 दिनों के बाद ही समझ आएगा कि क्या होगा। जब तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का में जब तक ये मामला जाए ना, अभी तो लगा भी नहीं है, जब ये मामला जाएगा, जब वहाँ से रिजल्ट जो भी आएगा उसका आगे की तय करी जाएगी। उस हिसाब से अभी संसद का घेराव करने जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, आगे कब का है ये कार्यक्रम? ये अभी एक दो घंटे के अंदर ही करेंगे, आज ही होना है, एक दो घंटे के अंदर ही संसद घेराव करने जाएंगे। जनता में किस तरीके की प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप इस चीज को लेकर? जनता सच्चाई जान चुकी है, जनता को पता है कि राहुल गांधी सच्चाई, मोदी सरकार की जो भी झूठी अफवाहें हैं जनता समझ चुकी है, अपनी जनता राहुल गांधी के साथ है। कहीं ना कहीं जनता राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि लगातार कहीं ना कहीं पिछले कल में राजघाट पर प्रदर्शन होता है, उसके बाद आज जंतर मंतर पर भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरीके से लगातार कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। और आइए यहाँ पर कुछ और नेता लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा संतोष सिंह। कहाँ से आए? नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल जी के जो पार्टी की सरकार को गिराया गया, मेंबरशिप थी कि ये देश देख रहा है, उसे निलंबित राहुल जी को कर दिया है, मेंबरशिप छीन ली है, देश के नेता है, कांग्रेस के युवा के वर्कर है, हम अपने लीडर की आवाज, देश की आवाज, उसे बंद नहीं होने देंगे। उसके लिए आज यहाँ पर जंतर मंतर पे एक धरना रखा हुआ है यूथ कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी जातिवाद से जोड़ रही है इसको, कह रही है ओबीसी का अपमान किया इसलिए सजा मिली। कांग्रेस लोगों के साथ चल सके कि जो जितना देर कांग्रेस की सरकार रही है भारत में, कभी जातिवाद या धर्म के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। बहुत आसान होता है, राहुल जी इसी बात पर सवाल उठाते थे वहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर, और वो कठिन राह पर हमारे नेता जातिवाद धर्म के नाम पर दंगे फसाद सारे बीजेपी के राज्यों में या बीजेपी की सरकारों में हुए हैं। समय का तकाजा है, और राष्ट्रवाद और धर्म निरपेक्षता तक की आवाज को बंद करने के लिए राहुल जी की मेंबरशिप को रद्द की गई है। राष्ट्रवाद की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश, ऐसा कांग्रेस कहना है। और दुआ पड़ता है, मैं कैमरामैन से कहूंगा, न जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबता भी हूँ तो समंदर उछाल देता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। करने के लिए मौजूद है हमारे विधायक भाई, मुंबई के अध्यक्ष जी, मैं हरियाणा के हमारे अध्यक्ष लहरू साथी, जिनके ऊपर कल भी एक पर्चा दाखिल हुआ है, बहुत संख्या में आए हैं भाई।